कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगी चुनाव याचिका में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धारा 99 के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस जारी किया है। करप्ट प्रैक्टिस पर उनसे जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब उन्हें 17 फरवरी तक देना है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगी चुनाव याचिका में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस जारी हो गया है। इस संबंध में दोनों पक्षों की बहस और याचिकाकर्ता के गवाह से सवाल जवाब के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कांग्रेसी नेता अंतर सिंह दरबार ने यह चुनाव याचिका विजयवर्गीय के खिलाफ दायर की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से धारा 99 के तहत ऐसे व्यक्तियों के नाम देने को कहा था जिन पर आशंका है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन में विजयवर्गीय की मदद की। याचिकाकर्ता ने महू के कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम कोर्ट में दिया गया था। कोर्ट ने कमल पटेल को पहले ही 2 नोटिस जारी किए थे और अब मुख्यमंत्री को भी नोटिस जारी हो गया है, क्योंकि उन्होंने प्रचार के दौरान मेट्रो को महू तक लाने और पट्टेधारियों को पक्के मकान देने का वादा किया था, जबकि ये भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में नहीं था। चुनाव याचिका श्री कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध करप्ट प्रैक्टिसेस के संबंध में दायर हुई है। करप्ट प्रैक्टिसेस में शिवराज सिंह जी के विरुद्ध भी कुछ कथन किए हैं, जैसे उन्होंने चुनावी आमसभा में यह वादे किए थे कि महू में इंदौर में प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन को वो महू तक लेकर आएंगे और पट्टे देंगे गरीबों को, तो ये इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं है। और ये चीजें ब्राइबरी की डेफिनेशन में आती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस की श्रेणी में आती हैं। तो चुनाव याचिका में जब फाइनल आदेश पारित होता है, अंतिम आदेश पारित होता है, तो उनके विरुद्ध भी जिन लोगों ने करप्ट प्रैक्टिसेस में सहयोग दिया है चुनावी उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, उनके नाम फाइनल ऑर्डर में आते हैं, तो उनका नाम का उल्लेख करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाता है। तो इस तारतम्य में इन्हें सूचना पत्र जारी होंगे, और यदि क्योंकि जो गवाह अभी हो चुके हैं उनके कूट परीक्षण के लिए भी इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रथम दृष्टिया पाया है कि इनके नाम भी फाइनल ऑर्डर में आने की संभावना है और इन्हें सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, तो इसलिए नोटिस जारी हुए। ये अपनी तरह का पहला मामला है जब सीएम के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन के चलते हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसका जवाब सीएम को 17 फरवरी तक देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।